हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुस्कान, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी केस किंग का ऑनेस्ट रिव्यू। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सारे केस किंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया है, लेकिन मुझे एक ही क्वेश्चन है जो बार 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 हर वीडियो पे मेरे को एक ही क्वेश्चन आता है कि दी, क्या सच में इस ऑयल को लगाने से मेरे बाल लंबे होंगे? मैंने तो इतने सालों से इस ऑयल को लगाया है, लेकिन मेरे बालों में तो कोई भी असर नज़र नहीं आया है। बिल्कुल झूठ है ये ऑयल बहुत ज़्यादा बेकार है, इस ऑयल को यूज़ करने से कुछ नहीं होता। मैंने तो इतने सालों से यूज़ किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब झूठ बोलते हैं, ऐसा वैसा। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अगर आपको मेरे बात पे बिलीव नहीं है तो आप मेरे पहले वीडियोज़ पे जाएं और उसमें कमेंट्स में आप जाके देखें कि मेरे को कितने सारे कमेंट्स आए हैं। किसी को भी ये ऑयल सूट नहीं करता है। फिर मैं इसका रिव्यू बार बार क्यों अच्छा बताती हूँ? तो आज मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं क्या होने वाला है आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये है वो ऑयल जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली आज की वीडियो में। अगर आपने पहले मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आज का टॉपिक मेरा क्या होने वाला है। तो ये केस किंग ऑयल है, इसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ फुल डिटेल में। तो पहले इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। तो ये केस किंग आयुर्वेदिक ऑयल है, 21 जड़ी बूटियों से को मिला के बनाया जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, जैसे कि आंवला, मेथी, शीखा काई, इस तरीके के बहुत सारे आपको इसके अंदर इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं। मैं इसमें डिटेल में इसलिए बात नहीं करूंगी आज की वीडियो में क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आपको बना दिए केश किंग के ऊपर फुल डिटेल में, आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए और ये वो बहुत सारे। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि मैं इस ऑयल को यूज़ तो नहीं करती हूँ, मैं झूठा आपको बताती हूँ इसके बारे में कि इसके रिजल्ट में आपको झूठे बताती हूँ। तो गाइज, मैंने पहले भी फुल डिटेल में मैंने आपको ये बताया कि जब मैंने 1 बॉटल यूज़ किया था पूरा तब मैंने वीडियो बनाया था, जब मैंने 2 बॉटल यूज़ किया था तब भी मैंने वीडियो बनाया था, जब मैंने 3 बॉटल, जब इसका कोर्स होता है 3 बॉटल का, वो भी कंप्लीट कर दिया था, फिर मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी पूरा डिटेल में। तो क्या मैं बार बार ऑयल्स लेकर आऊँगी, फिर उसको फेंक दूंगी और उसका जो नकली वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी? नहीं ना, मैं यूज़ करूंगी, जब मेरा बॉटल खाली होगा तभी तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन मेरे पास क्यों आता है बार बार कि आप झूठ बोलते हो, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता? मेन बात यह है कि सूट करने के ऊपर होता है, हो सकता है आपको ये ऑयल सूट नहीं करता हो। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया कि मेरे और भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि इस ऑयल को यूज़ करते हैं, उनको काफ़ी अच्छे से सूट करता है और उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है केश किंग ऑयल। बट अगर आपको नहीं दे रहा है इसका रिजल्ट, आपको नहीं मिल रहा है, तो आई डोंट नो क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई कोई प्रोडक्ट किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है। हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल में कोई प्रॉब्लम हो, सिर्फ ऑयल लगाने से आपके हेयर फॉल्स नहीं कंट्रोल हो सकते, आपको बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं अपने लाइफ के अंदर। आपको अपना खान पीन का तरीका सही करना होगा, स्लीपिंग टाइम सही करनी होगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, आपको अपनी जो लाइफस्टाइल है एकदम हेल्दी करनी होगी, जिससे आपके हेयर फॉल कंट्रोल होंगे, आपके न्यू हेयर ग्रोथ होगी। तो अगर आप इतने सालों से इस ऑयल को लगा रहे हो फिर भी आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ऑयल रिकमेंड करना चाहती हूँ, तो आप उसको जरूर यूज़ करिए, हो सकता है उससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए। तो आप ममा अर्थ का अनियन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उससे आपके 100% तो मैं नहीं बोल सकती। फिर आप लोग मुझे कमेंट करने लगोगे, आप इसने ये ऑयल आपने बताया फिर भी मेरे बाल नहीं रुके, 50-60% आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो सकते हैं। अब आपने बहुत सारी वीडियोस में मेरे को देखा होगा कि मैं अलग अलग ऑयल अपने बालों में यूज़ करती हूँ और आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ, तो मैं ऑलवेज़ एक ही ऑयल को यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को अलग अलग ऑयल्स का, अलग अलग प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करना होता है। तो मैं पहले प्रोडक्ट अपने हेयर्स पे, अपने ऊपर खुद अप्लाई करती हूँ, उसको यूज़ करती हूँ, जब मुझे जैसा रिजल्ट मिलता है उसी का रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए मैं कभी ये वाला ऑयल, कभी दूसरा ऑयल, कभी दूसरा ऑयल, ये सब यूज़ करती हूँ। बट जब तक मैंने केश किंग ऑयल यूज़ किया है मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। बट आपको इसके रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे तो ज़रूरी नहीं है कि ऑयल प्रॉब्लम हो, आपको कोई और भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। आपको हो सकता है कि पीसीओडी हो, थायराइड हो, या फिर कोई स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हो, तो आप डॉक्टर से जाके एक बार जरूर मिले कि आपके इतने ज़्यादा हेयर फॉल्स क्यों हो रहे हैं। क्योंकि किसी को भी 2-3 साल इतने ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, इतने सालों से लंबे टाइम तक अगर इतना ज़्यादा हेयर फॉल होगा तो फिर उनके सर में बाल कितने बचेंगे, आप तो बिल्कुल गंजे ही हो जाओगे। सो अगर आपके हेयर फॉल इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर से मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब आपको रीज़न पता चलेगा कि आपके बाल क्यों इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, हेयर फॉल आपके कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आपको ज़रूरी है कि आपको ये जानना कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है। सिर्फ एक ऑयल को ब्लेम करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अगर आप ऑयल को बोल भी दोगे या फिर आप मुझे कमेंट
कमेंट कर दोगे कि आप झूठ बोल रहे हो या फिर ये ऑयल बहुत ज़्यादा बकवास है, कोई भी इस ऑयल को यूज़ मत करो। तो इससे कुछ नहीं होगा, आप अपने हेयर के प्रॉब्लम को जानें, आपको क्या प्रॉब्लम है वो जानें, अपने डाइट को ठीक करें, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें, तब जाके आपके हेयर्स पे कुछ भी असर देखने को मिलेगा। अगर आपको एक अच्छा शैम्पू और कंडीशनर चाहिए तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस इस तरीके से अपलोड करती रहती हूँ, डालती रहती हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। मैं इतने सारे होम रेमेडीज डालती हूँ ताकि आपको ये हेल्प मिल सके कि आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो। सो अगर हेयर ऑयल में आयुर्वेदिक वाला केशकिंग की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा है, जो भी लोग यूज़ करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, बट बहुत लोगों को नहीं देता है। हो सकता है कई लोगों को ये सूट ना करता हो, मैं ये भी कह सकती हूँ कई लोगों को सूट ना करता हो, बट मुझे तो सूट किया, मेरे और भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी सूट करा, और कई सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस हैं जिन्होंने केशकिंग के बारे में बताया है, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा ये ऑयल सूट करता है। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, ना ही मुझे किसी ने पैसे दिए कि केशकिंग की तारीफ करूँ मैं आपके सामने। मुझे जो भी इसका रिजल्ट देखने को मिला वही मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आई होप आपको कोई भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए हों। और केशकिंग की वीडियोज़ पर मुझे ये भी कमेंट आते हैं कि दी मैं अपने बाल कैसे लंबे करूँ, या फिर इस ऑयल को लगाने के बाद मेरे बाल लंबे होंगे या फिर नहीं होंगे। तो मैं अपने चैनल पे और भी वीडियोस डालती हूँ कि आप अपने बाल लंबे कैसे कर सकते हैं, या फिर मैं अपने बालों का केयर कैसे करती हूँ, तो आप और भी वीडियोस मेरी देखकर रेगुलरली आपको पता चल जाएगा कि आप अपने बालों को लंबा कैसे कर सकते हैं, आपके बालों को झड़ना आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप वहां से जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कैसे आपको अपने बालों की केयर करनी है। तो अभी के वीडियो में मैं आपके साथ यही बस शेयर करने आई थी कि केशकिंग को या फिर मुझको ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने हेयर्स की प्रॉब्लम को पता करना होगा कि आपके बाल झड़ते क्यों हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं इसी तरीके के और वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय।